हाय सत श्री अकाल एवरीवन। वो कहते हैं ना, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसे मिलने का मजा भी आएगा। ये लाइन हमारे तोमर सर ने कही है, हमेशा कहते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ। माय नेम इज ईशा अग्रवाल और आप सब आज जुड़ चुके हैं मेरे साथ एग्जाम शरा यूट्यूब चैनल पे, जहाँ मैं लेके आई हूँ एक सक्सेस स्टोरी आप सबके लिए। आप सोच रहे होंगे सक्सेस स्टोरी क्या, मतलब अचानक से क्या हो गया? तो हुआ ये है कि आप सबको पता है कि अभी IBPS क्लर्क और PO का रिजल्ट आया है, जिसमें बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं। तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशन टू वन एंड ऑल, जो भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, जिन्होंने भी एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, या तो क्लर्क हुए या PO। ठीक है, तो ऐसे ही एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी, तो उन नाम के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सुनिएगा और कुछ क्वेश्चन हो तो बता भी सकते। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। क्या नाम है आपका? पहले बिलोंग वहाँ से करती हूँ, बट मैं स्टार्टिंग से सूरत में ही रह रही हूँ, तो मैंने यहाँ से सारी एग्जाम्स दी। सो यू नो गुजराती? यस, काइंड ऑफ। चलो ग्रेट। तो मतलब कब से आप प्रिपेरेशन कर रहे थे, या फिर कैसे आपको पता चला था कि कैसे बैंकिंग सेक्टर में आपको प्रिपेरेशन करनी है, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी? एक्चुअली इसकी भी एक बैक स्टोरी है। जैसे व्हेन आई वाज डूइंग माय बीकॉम, तो इट वाज माय सेकंड और थर्ड ईयर, तो तभी लाइक सेमिनार हुआ था। हमारे कॉलेजेस में एक्चुअली काफी सेमिनार हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम पे पता है कि स्टूडेंट्स को कुछ आइडिया नहीं रहता, तो दे यूज टू लाइक मतलब वो लोग सेमिनार करवाते थे। तो उस टाइम पे वैसे ही मतलब बैंकिंग का भी एक सेमिनार हुआ था, तो वहाँ पे हरेंद्र सर करके आए थे, तो जिनसे मैं सीखी हूँ, जिन्होंने मेरे को सब पढ़ाया है, तो उन्होंने ही सेमिनार लिया था हमारे कॉलेज में। तो उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि यस, आई वॉन्ट टू डू लाइक आई वॉन्ट टू मेक माई करियर इन बैंकिंग फील्ड। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, बट एक्चुअली मुझसे ये मिस्टेक हो गई कि मैंने डिसीजन लेने में काफी टाइम ले लिया, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन दे आर लाइक कि अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट द राइट टाइम। बिकॉज तुम्हें जब तुम कॉलेज कर रहे हो उसी दौरान तुम्हें कुछ स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज वो एकदम बेस्ट टाइम रहता है, क्योंकि तुम्हारा लाइक तुम हाईली मोटिवेटेड रहते हो, तुम स्टडी को लेके, क्योंकि तुम्हारा कॉलेज का भी चल रहा है, तो तुम साथ में बैंकिंग का भी कर सकते हो। तुम्हारा उस टाइम पे वो मतलब फील वो रहता है कि तुम फ्लो फ्लो में पढ़ सकते हो, वो चीज है, क्योंकि फिर वो ब्रेक लग जाता है आफ्टर ग्रेजुएशन, एंड ऑब्वियसली तुम्हें हर एक चीज को एक टाइम देना पड़ता है, तो बैंकिंग के लिए भी तुम्हें टाइम देना चाहिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट देना चाहिए उस चीज को लेकर। तो मेरे को वहां से ही पता चला कॉलेज से। तो मतलब जैसे आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा बीकॉम कर रहा हो तो वो बीकॉम के साथ तैयारी कर सकता है, डेफिनेटली, और उसी के साथ उसको स्टार्ट करना चाहिए। यस, ठीक है। तो मैं मतलब फिर आपने कितना टाइम दिया, मतलब कितना टाइम हो गया आपको प्रिपरेशन करते हुए? मेरे को 1.5 और 2 इयर्स हो चुके हैं प्रिपेयर करते हुए, मतलब 2 इयर्स में आपने IBPS क्लर्क तो क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो मतलब आगे का क्या प्लान है आपका IBPS क्लर्क? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मेरे को मतलब काफी लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, मुझे सब विश कर रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ लाइक सरप्राइजिंग फॉर मी, बिकॉज इस चीज की आदत नहीं है। बट लोगों को लगता है कि हाँ मैंने अब मतलब अचीव कर लिया, अब आगे कुछ गोल नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि तुमने अभी सिर्फ क्लर्क लेवल पे तुमने अचीव किया है, बट आगे और भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो तुम्हें ग्रैब कर लेनी चाहिए। तो अभी मेरा प्लान तो ये नहीं है कि अब जैसे मैंने क्लर्क निकाला है तो लाइक वाइल डूइंग जॉब आई एम गोना गिव एग्जाम्स, एंड मेरे को SBI PO का भी क्लर्क करना है, क्लियर करना है, एंड उसके बाद फिर देन RBI। मतलब कि हमें कहीं एक जगह अगर कोई छोटी सी हमारी विश पूरी हो जाती है, अगर हमें कोई छोटी सक्सेस मिल भी जाती है, तो वहाँ पे कभी रुकना नहीं चाहिए, हमें आगे फॉरवर्ड होते रहना चाहिए ना। मेरी फ्रेंड ने भी एक्चुअली मेरे को बोला था कि तुम अगर अभी जैसे मैंने ये मेरे को सब कॉन्ग्रेचुलेट करे, तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि तुमने ठीक है, तुमने क्लियर कर लिया, ठीक है, तुमने अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल चुकी है, तो तुम एक दिन सेलिब्रेशन करो, बट ऐसा नहीं कि तुम पूरा साल उस चीज पे निकाल लो। एक दिन कर लिया ठीक है, बट उसके बाद तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे और बढ़ते ही जाना है, उस चीज को लेकर बैठना नहीं कि बस मैंने कर लिया काम खत्म, वो चीज नहीं है। अच्छा, ओके, तो ठीक है। मतलब जैसे आपने बताया कि ये सारी चीजें जरूरत होती है, अच्छा आपने स्टार्ट कैसे किया था? मतलब ठीक है, जैसे आपने बताया कि सर से आपको पता चला, तो फिर जैसे आपने ज्वाइन किया और वो सारी चीजें, तो मतलब कितना टाइम एक्चुअली देते हैं पर डे के हिसाब से, या कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे पढ़ना चाहिए? एक्चुअली मतलब जब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जैसे अभी हम लोग कॉलेज में जाते तो हमें आइडिया नहीं रहता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे लोगों को बेसिक चीजें पता रहती है, जैसे तो कॉमर्स स्ट्रीम है तो उसमें तुम CA कर लिया, CS कर लिया, तुम साइंस स्ट्रीम में जा रहे हो
अगर तुम वहाँ पे मेडिकल में चले गए या इंजीनियर बन गए, आर्ट्स में चले गए, तुम्हारा अलग फील्ड में चला गया, तो लोगों को बहुत बेसिक नॉलेज रहती है. बट यहाँ पे मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है जिसके बारे में हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और हमें वो पता भी नहीं चलता जब तक हमें कोई आके बताता नहीं है, या फिर हमारे अंदर विलिंगनेस नहीं होती कि हम सामने से जाने वो चीज को लेके. तो वैसे ही मैं भी उन लोगों में से थी, मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं था, ये बेसिक चीजें मेरे को पता थी. बट जैसे सर ने मेरे को सेमिनार बताया तो मेरे को मतलब पता चला कि हाँ ठीक है, मैं बैंकिंग में भी करियर बना सकती हूँ मेरा. एंड मैं काफी उस चीज को लेकर इंटरेस्टेड थी, तो मैं उन्हीं सर के पास गई, उनकी मैंने क्लासेस ज्वाइन करी. एंड उस टाइम पे ऑब्वियसली तुम नए नए हो तो तुम्हें कुछ चीज का आइडिया नहीं, मेरे को सब्जेक्ट्स का भी आइडिया नहीं था, मैंने ज्वाइन करा सब्जेक्ट्स का आइडिया नहीं था मेरे को. एंड एक्चुअली मैं ये चीज लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर तुम क्लासेस मतलब कुछ भी करो तो तुम्हें मतलब उस चीज को लेके पहले सर्च वर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास इतने सारे सोर्सेस है कि हमें सारी चीजों की नॉलेज मिल सकती है इंटरनेट के थ्रू, हर एक चीज को लेके. तो अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हें उस चीज की पहले से नॉलेज रखनी चाहिए. तो मेरे को सब्जेक्ट्स का आइडिया नहीं था, तो मेरे को सर ने काफी ज्यादा हेल्प करी. टू बी ऑनेस्ट सर मेरे साथ पूरे टाइम थे, मतलब उन्होंने हर एक चीज, मेरे को कोई भी डाउट थे तो उन्होंने तुरंत क्लियर किया. तो तुम्हारा वो भी डिपेंड करता है, तुम्हारे अंदर डेडिकेशन तो होना ही चाहिए, एंड साथ में तुम्हारा जो स्टडी एनवायरमेंट है वो भी काफी मैटर करता है. तो मैंने बस वैसे जैसे सर ने बताया मैं उस चीज को लेके मैं फॉलो करती रही. फिर उसके बाद में हाँ ऑब्वियसली फेलियर्स देखे, बहुत सारे देखे, मतलब काफी सारे मेरे एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए, मन में काफी नेगेटिव थॉट्स भी आए. बट देन वही सर लोग ने बोला कि नहीं तुम्हें गिव अप नहीं करना है, फ्रेंड्स ने बोला, तो मैं वही चीज करती रही. एंड उसके बाद वो चीज को लेके मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई, एंड काफी सारे सोर्सेस होते हैं जहां से तुम स्टडी कर सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो. तो इस तरह से मैंने प्रिपेयर किया था. तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि हमें कभी रुकना नहीं चाहिए किसी भी एक पॉइंट पे. मतलब अगर हमें एक सक्सेस मिल भी गई है तब भी नहीं, और अगर मान लो हमें नहीं मिली, हम किसी एक दो एग्जाम में रह गए, तो भी हमें वहां पे गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए. और वैसे भी शायद कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर आपने किसी चीज को पूरे दिल से ठान ली है तो कायनात मिलाने लग जाती है. ठीक है, तो मैम आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज आई लाइक टू डांस, सिंग, और मेरे को एडवेंचरस चीजें करना काफी अच्छा लगता है. अच्छा, मतलब मेरा बैंकिंग तो ठीक है, आपका था ही गोल कि बैंकिंग सेक्टर लेना है, लेकिन फिर भी आपने बहुत सारी एक्टिविटीज को सोच के रखा है. ठीक है, मतलब आपको क्या लगता है कि पर डे बेसिस पे कितना टाइम स्टूडेंट्स को ऑन एन एवरेज बेसिस पे देना चाहिए? यस, एक्चुअली मतलब वो मैं एक कोई पर्टिकुलर इसका कोई वो स्टेटिस्टिक नहीं रहता कि तुम्हें इतना ही टाइम देना है या उससे ज्यादा देना है या कम देना है, वो हर एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. बट आई बिलीव कि तुम अगर मतलब 4 to 5 hours भी तुम पढ़ो या फिर 3-4 hours भी पढ़ो तो देट इज मोर देन इनफ. बस डिपेंड वो करते हैं कितने अच्छे से तुम इस चीज को यूटिलाइज कर रहे हो. ऐसा नहीं कि तुम 3-4 घंटे बैठे पर तुमने कुछ किया नहीं, तुम्हें उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है, तुम्हें अच्छे से उस चीज को पढ़ना है, मैक्स टू मैक्स पढ़ना है, वो चीज है. अच्छा, बाकी तुम क्लियर कर सकते हो. अच्छा, तो जैसे मैम एक मतलब स्टूडेंट का जनरली एक क्वेश्चन होता है कि वो एक ही सब्जेक्ट पढ़े या फिर सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़े, तो मतलब कैसा एक्चुअली पढ़ना चाहिए? एक्चुअली सबका अलग अलग प्रेफरेंस रहता है, बट मेरा प्रेफरेंस तो यही रहेगा कि तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए एक दिन में, क्योंकि तुम एक सब्जेक्ट को लेकर एक दिन पढ़ते हो तो वो बोर हो जाते हो तुम, और तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है. बट अगर तुम वही मतलब एक एक घंटा तुम एक एक सब्जेक्ट को भी देते हो तो तुम्हारा माइंड क्या है वो वर्क करता है, उसका उसके अंदर एनर्जी बढ़ती है, तुम्हारे थॉट प्रोसेस इंक्रीज होता है, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी बढ़ जाती है कि तुम और पढ़ सकते हो. बट अगर तुम एक ही सब्जेक्ट करते हो तो तुम लास्ट में थक जाते हो. आई प्रीफर तुम्हें सारे सब्जेक्ट रोज एक एक घंटा लेके पढ़ना चाहिए, मतलब उस अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना. हाँ, वो तुम और मतलब बैंकिंग के एग्जाम निकालना क्या लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है या फिर मतलब बहुत चैलेंजिंग होता है? सुना है मैंने लोगों से, तो कैसा है? काफी लोगों को ये लगता है कि काफी इजी है, एंड काफी लोगों को ये भी लगता है कि बहुत टफ है. बट मैं ये कहूंगी कि अगर तुम्हारे अंदर विलिंगनेस है तो तुम इसको इजीली निकाल सकते हो, बट अगर तुम्हारी विलिंगनेस नहीं है तो तुम नहीं निकाल सकते. तो वो तुम पे डिपेंड करता है, क्योंकि काफी लोगों ने एकदम जल्दी से निकाला भी तो काफी लोगों ने 4-5 साल तक नहीं भी निकाला है. तो वो तुम पे डिपेंड करता है कितना एफर्ट्स तुम डाल सकते हो, कितने विलिंग हो कि तुम्हें वो जॉब चाहिए. मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं होता. हाँ. अगर आपने ठान लिया है कुछ करने की, तो बोलते ना कोई चीज तुम्हें रोक नहीं सकती. हाँ. तो वही है कि अगर आपने ठान लिया है कि बैंकिंग जॉब चाहिए और इसी साल चाहिए तो आपको इसी साल मिल ही जाएगी. जैसे मैम को मिल गई, मैम ने ठान लिया था कि बाय द एंड ऑफ द ईयर उनको ये जॉब लेनी ही है. अच्छा मैम, तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा होता था? रीजनिंग, आई गेस सबका यही फेवरेट होगा. मैंने बहुत स्टूडेंट से सुना है कि रीजनिंग फेवरेट है. अच्छा, तो सबसे वीक सब्जेक्ट जिसमें करने में बहुत जोर आता है, ये भी आई गेस डीम्ड ही है, मैथ्स ही. अच्छा, तो मतलब क्या लगता है कि मैथ्स में कैसे
स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो अब आपने बताया कि आपका वीकेस्ट था या फिर थोड़ा सा वीक पॉइंट था वो, तो आपने वहां से स्टार्ट किया, तो कैसे स्टार्ट किया मैथ्स में? मतलब स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, कैलकुलेशन होती है, बॉडमास होते हैं, तो कैसे उन चीजों को एक्चुअली स्टार्टिंग में जब हम लोग जाते हैं तो हमें काफी बेसिक नॉलेज रहती है मैथ्स का, ऐसा हम लोग प्रो नहीं रहते उस चीज को लेकर कि हमें सारी चीजें याद रहती है, तो हमें कहाँ तक याद रहेगा, 10, 15, 20 तक याद रहेगा, बट एक्चुअली वहां से तो सिर्फ स्टार्ट होता है हमारे मैथ्स में, हमें 30 to 35 तक स्क्वायर्स है, उसके क्यूब है, वो सब याद होने चाहिए, बट उसका भी ये नहीं कि तुम रट्टाफिकेशन करो, क्योंकि उन सब की भी क्या है बेसिक मेथड्स होती है और ट्रिक्स होती है कि जिससे तुम उसको एक बार तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली वो चीज याद रह जाएगी। एंड मैथ्स में क्या है कि तुम हाँ ट्रिक्स बहुत ज्यादा मैटर करती है हर एक चीज में, बट उससे पहले भी उसका जो बेसिक थिंग है वो चीज तुम्हें आना चाहिए, बेसिक मेथड जो है, क्योंकि अगर तुम्हें बेसिक आ गया तो तुम ऑटोमेटिकली तुम्हें पता है कौन सी ट्रिक कहाँ यूज करनी है, क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन हो जाता है अगर बहुत सारी ट्रिक्स होती है, तो आई प्रीफर कि तुम्हें बेसिक मेथड से करना चाहिए, मेथड से जाना चाहिए, मतलब मैम का कहने का मतलब, और मैम भी बेसिक मेथड्स काफी फॉलो करती है। अच्छा तो मैम फिर इंग्लिश में कैसे स्टार्ट करना चाहिए? जैसे आपका तो शायद इंग्लिश अच्छा था है ना, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है कि इंग्लिश कैसे करें, कैसे इम्प्रूव करें, बहुत वीक भी होता है, तो इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट जिसको तुम रट्टा कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, या फिर तुम रूल को ऐसे दिमाग में बिठा के रखोगे, क्योंकि इंग्लिश ऐसा नहीं है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, जैसे हमारी हिंदी एक लैंग्वेज है, तो वो हमें मन से वो चीज करनी होती है, बट हिंदी हमें कैसे आती है, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं हिंदी में, इसलिए हमें हिंदी बहुत अच्छे से आ जाती है, बट लोगों को क्या है इंग्लिश में वो लोग कम्युनिकेट नहीं करते, इसलिए वो प्रॉब्लम उनको इंग्लिश में आती है, तो आई प्रीफर मतलब वही जो टीचर्स ने मुझे कहा है तो मैं वही चीज आपको भी सजेस्ट करूंगी कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम जैसे जैसे तुम रीडिंग करते हो तुम्हें न्यू वर्ड्स के बारे में पता रहता है, तुम्हें वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पता रहता है, तो वो चीजें तुम्हें अपने आप वो चीजें क्लिक होती है, एंड फिर तुम ऑटोमेटिकली तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें वो चीज समझ में भी आएगी, एंड वैसे तुम कम्युनिकेट करोगे तो यू विल बी एबल टू लाइक तुम अच्छे से बोल पाओगे चीजें को, तो तुम्हें सारी चीजें वैसे ही इंग्लिश में आई गेस बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जैसे जो भी फैकल्टीज आपको बताते हैं ट्रिक्स और जो भी वेज वो बताते हैं कि इस तरीके से आप परफॉर्म करो, तो वो अगर हम करते हैं तो हम डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर पाते। अच्छा तो फिर मतलब आपने मतलब कैसे किया था प्रिपरेशन, कि जैसे इंग्लिश सब चीजों को मैनेज किया, स्टार्टिंग से करंट अफेयर्स भी पढ़े है ना? हाँ करंट अफेयर्स को लेकर मैं ये बोलना चाहूंगी, लोगों का ये मिथ रहता है कि मतलब उनके दिमाग में ये चीज रहती है कि हम प्रीत में तो आने नहीं वाला है तो फिर हम लोग अभी से क्यों पढ़े, क्यों डबल मेहनत करें, उनको ये दिमाग में रहता है कि अब जब मेंस अगर आएगा तो तब हम लोग कर लेंगे, बट एक्चुअली बहुत ही गलत आइडिया है, मतलब बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि ये चीज मैं ट्राई कर चुकी हूँ, क्योंकि तुम क्या करते हो करंट अफेयर्स इज नॉट समथिंग जिसको तुम याद करके रट्टा करके रख, क्योंकि तुम्हें हर एक दिन नई न्यूज मिलेगी, हर एक तुम्हारा स्टैटिक है जो भी जनरल अवेयरनेस है वो चेंज होता रहता है, वो सारी चीजें करंट अफेयर्स चेंज होते रहता है, तो तुम्हें वो तुम उसको कितना भी कर लोगे तुम इतना मतलब उसकी कोई बाउंड्री नहीं है करंट अफेयर्स की, तो इसका सोल्यूशन यही है कि तुम डेली बेसिस पे उसको फॉलो करो, एंड इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारा प्री क्लियर हो जाए उसके बाद ही तुम स्टार्ट करो, क्योंकि आफ्टर प्री तुम्हें सिर्फ मैक्स टू मैक्स वन मंथ मिलता है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, तो तुम उस टाइम तुम बाकी सब्जेक्ट्स करोगे कि करंट अफेयर्स को लेके बैठोगे, तो इट्स लाइक कि तुम जब से प्रिपरेशन स्टार्ट करो फर्स्ट डे से तुम्हें करंट अफेयर्स फॉलो करना चाहिए, ये मिस्टेक मैं कर चुकी हूँ तो इससे मुझे पता है, एंड मैंने काफी रिग्रेट भी किया इस चीज को लेकर, तो आई विल प्रिफर कि तुम लोग सब आई विल एडवाइस यू गाइज कि तुम लोग फर्स्ट डे से करंट अफेयर्स को मतलब लेकर चलो, यस लेकर चलो। मतलब देखिए ऐसा होता है ये सारी चीजें, तो फिर आपने कैसे जैसे आपने करंट अफेयर प्रिपेयर किए, मैथ्स करा, रीजनिंग करा, इंग्लिश करा, तो फिर कैसे अपना स्कोर बढ़ाया और कैसे एक्यूरेसी की तरफ ध्यान दिया? यस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टेस्ट, स्पीड टेस्ट। एक्चुअली तुम क्या कर लोगे, तुम अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने मैथ्स पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, करंट अफेयर्स भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, बट अगर तुम्हारी उस पर ग्रिप ही नहीं बनेगी कि तुम्हें कितनी मतलब कितने टाइम लिमिट के विद इन तुम्हें वो सॉल्व करना है, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा इतना सारा नॉलेज गेन किया हुआ भी वेस्ट जाएगा सारा, क्योंकि तुम्हारी स्पीड नहीं होगी, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही स्पीड टेस्ट है, एंड इस चीज की मेरे को भी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी पहले, मैं भी नहीं देती थी उस टाइम पे, मैंने सारी चीजें वो फेस कर चुकी, इसलिए मेरे को ये सारी चीजों का पता है कि जो भी मैंने मिस्टेक की थी वो सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थी, तो आई विल एडवाइस यू गाइस कि तुम्हें रेगुलर बेसिस पे स्पीड टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि तभी तुम्हारा ग्रिप बनेगा एंड तभी तुम लोग उस टाइम लिमिट के विद इन तुम सारी चीजें सॉल्व कर पाओगे, एंड ये चीज मुझे मेरे सर ने ही बताई थी, उसके बाद ही मेरे को ये सारी चीजें पता चली। तो मतलब कि ये सारी चीजें अपन ऐसे करके एक गोल अचीव कर पाते हैं। अच्छा तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि मतलब जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है ना, तो वो बैंकिंग की प्रिपरेशन करने के लिए अगर आता है तो
तो वो मतलब स्टार्टिंग से स्पीड टेस्ट दे या फिर कैसे मतलब स्टार्ट करें, मतलब एक होता ना कि मान लो आप किसी स्टूडेंट ने आपसे पूछा कि मैम कैसे मैं प्रिपेयर करूँ, मुझे करना तो है ही बैंकिंग, 3 मंथ्स में निकालना है या 4 मंथ्स में निकालना है, तो कैसे प्रिपेरेशन करनी चाहिए? मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक एडवाइस नहीं है, बट मैं तुम्हें यही कहूंगी कि इट्स नॉट लाइक कि तुमने 3-4 महीना सोचा है तो निकल ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये भी सोच गलत है कि तुम एवरेज स्टूडेंट है तो तुम क्लियर नहीं कर पाओगे, वो चीज भी नहीं है। कोई भी स्टूडेंट इसको क्लियर कर सकता है अगर तुम्हारे अंदर विलिंगनेस है कि तुम्हें वो चीज अचीव करनी ही है। अगर तुम्हारे अंदर विलिंगनेस ही नहीं तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, भले ही कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्यों ना हो तुम। तो आई फील कि विलिंगनेस होनी चाहिए, एंड जैसे तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारे सबसे पहले तो तुम्हारा जो स्टडी एनवायरमेंट है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम अकेले नहीं कर सकते, डेफिनेटली तुम लोग कर सकते हो, बट मैं यही प्रिफर ज्यादा करूंगी कि तुम्हारा एक ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है ना कि तुम अगर सॉल्व भी कर रहे हो चीजें तो तुम्हें नई नई चीजें पता चलेगी, क्योंकि वो कोई एक क्वेश्चन लेके आएगा, हम कोई क्वेश्चन लेकेंगे और ऐसा हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें नई नई चीजें पता चलेगी। तो वो जो तुम्हारा स्टडी एनवायरमेंट है वो बहुत मैटर करता है। एंड ऑल्सो तुम्हें स्पीड टेस्ट तो मैंने जैसे कहा फर्स्ट डे से तुम्हें देना चाहिए, करंट अफेयर्स भी देना चाहिए, एंड जो जो तुम्हारे टीचर्स जो तुम्हें गाइड कर रहे हैं वैसे वैसे तुम्हें फॉलो करना चाहिए। एंड आई वॉज लकी इनफ कि मेरे सर तोमर सर थे, उन्होंने मेरे को फर्स्ट डे से सारी चीजें उन्होंने बताई कि तुम्हें ये चीज फॉलो करनी है, कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं भी आप लोग की तरह एक न्यू स्टूडेंट थी, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, बट उन्होंने ही मेरे को बताया किस तरह से तुम्हें स्टार्ट करना है, किस तरह से धीरे धीरे तुम एक एक चीजें समझोगे और कैसे कैसे तुम फॉलो करोगे, एंड वहाँ पे ऑटोमेटिकली तुम कर पाते हो, ऐसा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। हाँ, मतलब नॉर्मली चीजें हो जाती है अगर आपने उनके लिए एफर्ट्स लगाए हैं तो। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि आपने थोड़े टाइम लगाया प्रिपरेशन करने में, काफी एग्जाम्स भी दिए थे, तो जैसे होते हैं ना कि एग्जाम्स देने के बाद बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि बस अब मुझे और एग्जाम्स नहीं दे रहे, तो जैसे गिवअप वाली भी चीज आ जाती है, तो गिवअप वाली चीज और जब स्टार्ट करते हैं तो उस बीच का जो टाइम होता है वो सबसे क्रूशियल टाइम माना जाता है, तो उस बीच में आपको किन किन लोगों ने हेल्प की या मोटिवेटेड रखा कि नहीं आप करो इस चीज पे क्योंकि आपका हो जाएगा, तो किन किन लोगों ने आपकी हेल्प की? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो लोगों को ये रहता है कि मैं 3-4 मंथ्स प्रिपेयर कर लूँ तो उसके बाद फॉर्म भरूंगी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड ये चीज मेरे को भी मेरे वहाँ पे जो मेरे गाइड थे उन्होंने भी मेरे को बोला था, क्योंकि उन्होंने भी मेरे से आते ही फॉर्म भरवा दिए थे, एंड आई वाज लाइक कि क्यों मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, एंड मतलब सिर्फ 1 मंथ बाकी था और मैंने तभी ज्वाइन किया था, तो आई वाज रियली सरप्राइज कि क्यों मैं अभी से कर रही हूँ। बट बाद में मेरे को ये चीज रियलाइज हुई क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे तुम्हें एग्जाम कैसे देना है, ये इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल एग्जाम, मतलब तुम्हारा टाइम लिमिट रहता है, तुम्हें आइडिया रहता है कि किस तरह से तुम्हें एग्जाम देनी है, किस तरह से सारा ना वो प्रोसेस होता है, तो वो चीजें तुम्हारे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तुम्हें फॉर्म, पहली बात तो ये कि तुम्हें हर एक एग्जाम का जिसमें तुम करना चाहते हो या फिर जो भी है तो तुम्हें फॉर्म भरते रहना चाहिए। एंड लोगों को ये चीज भी रहता है कि साल में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज आती है, कम बैंक की एग्जाम्स आती है, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बस कमी है लोगों की उस चीज को ग्रैब करने की। यस, जैसे SBI है, RBI है, IBPS है, इंश्योरेंस की रहती है, तो ये सारी एग्जाम, बहुत सारी एग्जाम्स आती है जिसको लेकर आप फॉर्म भर सकते हो, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। तो एंड इट्स नॉट लाइक कि मेरा फर्स्ट ट्राई में ही सारा हो गया, मैंने भी काफी सारी एग्जाम्स थी एंड काफी सारे मेरे को फेलियर भी मेरे को फेस करने पड़े, बट एंड जैसे ही नॉर्मल लोगों को होता है तो वैसे मेरे अंदर भी नेगेटिव थॉट आ गया था कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा ये, एंड मैंने एक्चुअली ये वाली लास्ट एग्जाम मैंने गिव अप कर ही दिया था ऑलमोस्ट कि नहीं ये मेरा लास्ट एग्जाम है अब मैं नहीं करने वाली, बट वो होता है ना कि जो तुम्हारे जो अच्छे लोग रहते जो तुम्हें जाते हैं कि ना तुम सक्सेसफुल हो, तो उन लोगों ने ही मेरे को बहुत मदद की, जैसे कि मैम ने पूछा कि कौन है, तो वो मेरे फ्रेंड्स है, मेरी फैमिली है, मेरे टीचर्स है, उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं यहाँ पे तुम नहीं करना है, क्योंकि उनको पता है कि मेरी रियल स्ट्रेंथ क्या है, तो उन लोगों ने मुझे गाइड किया कि तुम गिव अप नहीं कर सकते। मैं आप लोग को भी ये चीज बोलूंगी कि हाँ नेगेटिव थॉट्स आएंगे बट उनको हाँ भी ना होने दो खुद पे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ये एक नॉर्मल मतलब प्रोसेस है कि लोगों के दिमाग में ऐसा आ जाता है जब तुम फेलियर फेस करते हो, तो वो चीज नहीं आनी चाहिए, भले ठीक है एक बार थॉट आ गया बट उस चीज को वहां पे ही छोड़ दो, पर नेक्स्ट डे वही एक नई होप के साथ आओ और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए लग जाओ, तो नेवर गिव अप। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जितनी भी एग्जाम्स आते हैं, जितनी भी फॉर्म्स आते हैं, हमें उन्हें वो फिलअप करते रहना चाहिए, है ना, और एक्सपीरियंस लेते रहना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स हमें हार्डवर्क का जरूर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मतलब अब मैम आपने अपनी स्ट्रैटेजी भी बता दी, अपनी ये सारी चीजें बता दी। अच्छा, तो फिर जैसे आपने ज्वाइन किया था तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सर के साथ में? और बहुत ज्यादा अच्छा रहा, मतलब लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया दैट इज इनफ,
बट आई फील कि तुम्हारा, जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि स्टडी एनवायरमेंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि तुम वहां पे तुम्हारे लिए एक वो फीलिंग आती है कि हाँ हम भी यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कंपटीशन है, तो हम मतलब इतने में नहीं रुक रहे, क्योंकि हमें क्या लगता है कि नहीं इतना इनफ है, बट एक्चुअल में वो नहीं होता, हमने अभी एक्सप्लोर नहीं किया होता। बट वहाँ पे मतलब जैसे मैं क्लासेस में गई तो वहाँ के जो कंपटीशन था, लोगों के अंदर इतनी इगरनेस थी कि हाँ हमें और पढ़ना है और पढ़ना है, तो वो चीज काफी ज्यादा मैटर करती है, वो तुम्हें मोटिवेट करती कि हाँ कि हमें यहाँ पे रुकना नहीं है। तो वैसे ही मेरे को क्लासेस में जाके बहुत ही अमेजिंग सी फीलिंग आई थी कि यार यहाँ पे मेरा कुछ हो सकता है। तो आई विल प्रिफर एंड आई विल ऑलवेज लाइक रिकमेंड यू गाइज कि एग्जामशाला ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां का मैं ये नहीं कहूंगी कि टीचर्स है ये वो है, मतलब ऑब्वियसली डेफिनेटली वहां के टीचर्स सबसे बेस्ट टीचर्स है, बट जो वर्क एनवायरमेंट है ना, जो सर ने क्रिएट कर रखा है, दैट इज अमेजिंग। वहां का हर एक स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, हर एक स्टूडेंट अचीव करना चाहता है, एंड वहां पे तुम्हें इतना अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे जो तुम्हें एनी हाउ तुम्हें हेल्प करेंगे। तो आई फील कि बहुत ज्यादा हेल्प की थी मेरे को वो चीज। थैंक यू मैम उसके लिए। तो मैम अब आपका कोई और मैसेज हो जैसे स्टूडेंट्स के लिए कि हाँ और इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ताकि क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है स्टूडेंट्स की कि मैम कैसे प्रिपेरेशन करें, क्या करें कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए हमारा, है ना, तो उस तरीके से मैं यही एडवाइस करूंगी कि इतनी भी ज्यादा जल्दी मत करो कोई भी चीज को करने के लिए, क्योंकि बेस्ट थिंग टेक्स टाइम, तो उस चीज को अच्छे से टाइम दो। अगर तुम्हारा मतलब अच्छी प्रिपेरेशन होगी तो तुम्हारा जल्दी क्लियर भी होगा, एंड अगर नहीं होगी तो लेट भी होगा। तो तुम्हारी विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड करता है, दो ही फैक्टर्स पे मैं बिलीव करती हूँ, तुम्हारी विलिंगनेस एंड नेवर गिव अप, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा, तो तुम्हें उतना पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तुम एक बार में नहीं कर सकते हो, एंड कर भी सकते हो बट वो तुम पे डिपेंड करता है कितना हार्डवर्क तुमने किया है, तो नेवर गिव अप, तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, मतलब वो कर कभी भी गिवअप नहीं करना चाहिए, हमेशा उन चीजों को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। अच्छा मैम, अब मेरा एक छोटा सा और लास्ट क्वेश्चन कि क्या बेटर होता है, गवर्नमेंट जॉब की प्राइवेट जॉब? जैसे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो पहले सोचते रहते हैं फिर गवर्नमेंट जॉब को अपना लास्ट ऑप्शन बनाते हैं, तो ज्यादा बेस्ट क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं आपके हिसाब से? एक्चुअली लोगों को क्या रहता है कि उनको वो दिमाग में रहता है कि गवर्नमेंट एग्जाम क्यों दे, हम लोग इतना सारा कंपटीशन है, 3-4 साल लगा देते, क्लियर नहीं होता, तो दे जस्ट मूव फॉरवर्ड फॉर द प्राइवेट बैंक्स। एंड इट्स नॉट लाइक कि मेरे दिमाग में थॉट नहीं है, ऑब्वियसली मेरे दिमाग में भी थॉट आया, बट जो गवर्नमेंट बैंक है, भले कोई भी पोस्ट पे क्यों ना, बट उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। हाँ, और वो चीज तो है ही ना जिसके लिए तुम मतलब कुछ तो है इसके अंदर, तभी तो इतना कॉम्पिटिशन है, ऐसे तो नहीं होगा इसके अंदर, एंड काफी सारी फैसिलिटीज है इसके अंदर, मतलब लाइक फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज एज वेल। उसके अंदर तुम्हारा लाइक मतलब जो भी मेडिकल इश्यू होगा, फिर या फिर तुम्हें मतलब लोन को लेके रहेगा, कोई भी चीज को लेकर काफी सारे बेनिफिट, मतलब आई गेस इट्स एंडलेस। अगर हम चाहे तो हम गवर्नमेंट जॉब बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, हम ले सकते हैं, फिर वो चाहे मतलब क्लर्क पे हो या पीओ पे हो या एसओ पे हो, किसी भी बैंकिंग सेक्टर में हो, इंश्योरेंस सेक्टर पे हो, एसएससी में हो, बहुत सारी एग्जाम्स होगी, तो हम किसी को भी क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, और कुछ अपना बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को आप, या जो भी फैकल्टीज हैं उनके बारे में, किसी के बारे में अगर और कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहें तो? मैं बस वही जैसे कि मैंने अभी कहा था कि लाइक आपको अगर आप हार्ट मतलब चाहते कि आपको बैंकिंग में करना है, तो आप अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए और अच्छे से पढ़िए, बस गिव अप ना करिए, आपको डेफिनेटली अचीव होगा, भले टाइम लगेगा बट होगा ही जरूर। एंड आप मतलब आई फील एंड टीचर्स थैंक यू सो मच कि आपके वजह से, जो भी मेरे टीचर्स हैं एग्जाम शाला, उनके वजह से आज मैं आईबीपीएस क्लर्क मीन्स कर पाई, उन्होंने मेरे पे लाइक उनको मेरे पे बिलीव था कि हाँ मैं कर पाऊंगी, उन्होंने मेरे को हेल्प आउट किया हर एक चीज में, मेरे हर छोटी क्वेरीज में, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना एक्सपीरियंस, अपना क्रूशियल टाइम मुझे दिया और बच्चों को बताया कि कैसे एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड फिर से कंग्रेचुलेशन कि आपने आईयूपीएस क्लर्क क्वालिफाई किया। मैम अभी बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्लर्क लिया है मैम ने, और आगे मैम के और भी बहुत सारे प्लान है, तो मैं ऑफकोर्स ऐसा होप करती हूँ कि मैम मैं आगे वापस मैम के साथ कोई और सक्सेस स्टोरी लेकर आऊँ, ठीक है, तो ऐसे ही हम बहुत सारे जितने भी सिलेक्शन हुए उन बच्चों के साथ सिलेक्शन सक्सेस स्टोरी लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपने भी मोटिवेशन फील किया हो, अगर आपको लगता हो कि नहीं ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल रही है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई और क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।